हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपीए सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लाइबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आईआईटी जेई इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लेते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है फाई ऑफ एक्स और ये फंक्शन है इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डीटी, वेयर द फंक्शन एफ ऑफ टी इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। इसलिए मैं मान लेता हूं यहां पर दैट एफ ऑफ टी इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है बेटा, और यदि आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में दैट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन्स लाइबनीज रूल। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लाइबनीज रूल। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, दिस इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डीटी। तो यदि आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग न्यूटन्स लाइबनीज रूल। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले यहां फंक्शन एफ ऑफ टी में इस टी को रिप्लेस कर देते हैं एच ऑफ एक्स से। इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पर भी टी लिखा हुआ है, इस टी को हम रिप्लेस कर देंगे एच ऑफ एक्स से, तो हमें मिलेगा फंक्शन एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, रिप्लेसमेंट जो हमें टी को करना है वो सिर्फ इस फंक्शन में ही करना है। इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पर भी टी लिखा हुआ है, उस टी को हम रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, जो क्या है एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें मिलेगा फंक्शन एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट। अपर लिमिट का डेरिवेटिव आएगा एच डेस एक्स माइनस, इस फंक्शन में अब टी को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, मतलब जी ऑफ एक्स से, तो हमें मिलेगा फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी डेस एक्स। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लाइबनीज रूल है जिसकी हेल्प से हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं यदि फंक्शन इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो इस पर एग्जांपल चेक करने से पहले एक बार हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि रिजल्ट आता कैसे है, उसके बाद हम चेक करेंगे इस पर एग्जांपल्स इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है बेटा, तो देखिए प्रूफ क्या है यहां पर, ये रिजल्ट कैसे आता है। इसके लिए मैं यहां पर मान लेता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी ये कैपिटल एफ ऑफ टी के बराबर है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं उनका डेरिवेशन कुछ इसी तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ टी। तो देखिए जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा एफ ऑफ टी और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव बन जाएगा एफ डैश। इसका मतलब है कि एफ ऑफ टी किसके बराबर है, कैपिटल एफ डैश टी। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए तो देखिए यदि हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शन फाई ऑफ एक्स क्या है। फंक्शन क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डीटी।
तो पहले हम यहां से फंक्शन phi of x कैलकुलेट कर लेते हैं x की फॉर्म में क्या आएगा, और उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x टू कैलकुलेट द फंक्शन phi dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, f of t का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, इसका इंटीग्रेशन है कैपिटल f of t। यदि यहां पर हम t की अपर लिमिट अप्लाई करते हैं h of x और यहां t की लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं g of x, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फंक्शन phi of x क्या रहेगा। सबसे पहले t की जगह पर अपर लिमिट पुट करिए, h of x माइनस t की जगह पुट करते हैं लोअर लिमिट विच इज g of x, क्लियर। तो इसका मतलब है कि हम यहां से फंक्शन phi of x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि आपको फंक्शन phi of x मिल गया है तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखिए कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा phi dx। ध्यान रखिएगा जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन लिखा हुआ है f of h of x, तो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको यहां पर चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कैसे अप्लाई करेंगे, पहले इस फंक्शन f को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, h of x के रिस्पेक्ट में। जो फंक्शन सबसे बाहर है पहले उसको डिफरेंशिएट करो, f dash of h of x इंटू एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा एच डैश एक्स। ठीक है, माइनस जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ध्यान रखिए f ऑफ g ऑफ x को डिफरेंशिएट करने के लिए भी आपको फिर से चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, इस फंक्शन f को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, g ऑफ x के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ g ऑफ x, और फिर उसके बाद हम g ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव आ जाएगा यहां से g डैश x। क्लियर हो गया बेटा कैसे लिखा है। अब देखो यहां से डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, चूंकि f dash t किसके बराबर है f of t के, तो इसका मतलब f dash of h of x किसके इक्वल हो जाएगा f of h of x के, क्लियर हो, इनटू h dash x, इसको h dash लिखा रहने देते हैं, माइनस इसी डेफिनेशन को यदि फिर से यूज करते हैं तो f dash of g of x को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से f of g of x, ठीक है ना बेटा, और इनटू में क्या आ जाएगा g dash x, एज इट इज लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से कि फंक्शन phi of x का जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन f of t में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह पर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट h dash x, माइनस फंक्शन f of t में t को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट g of x से इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट g dash x। क्लियर हो गया पॉइंट, कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो रिजल्ट है वो किस तरह से आता है। अब इंपॉर्टेंट है यहां पर इसका एप्लीकेशन, कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर हम एक दो एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं, चलिए कैसे इसे यूज करना है क्वेश्चंस में। देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू x स्क्वायर, फंक्शन दिया हुआ है t स्क्वायर इंटू साइन t dt। ठीक है, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां से f dash of pi dt क्या है।
इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर। तो देखो इसको एक तरीका तो फाइंड करने का ये है कि जो फंक्शन दिया हुआ है टी स्क्वायर साइन डी, आप इस फंक्शन को पहले इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय यूजिंग द बाई पार्ट आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले टी स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे जिससे कि यहां पावर रिड्यूस हो जाए, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना, और साइन टी को हम इंटीग्रेट करेंगे इसलिए इसको सेकंड फंक्शन मान लेना, और यहां पर बाई पार्ट अप्लाई करना, आपको यहां से फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो पहले तो हम यहां से एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर ले, और उसके बाद जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिलेगा उसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमें f dash x मिल जाएगा। क्लियर? अदरवाइज हम जानते हैं कि जब कभी भी फंक्शन इंटीग्रेशन की फॉर्म में होता है तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लैपलेस रूल। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तरीका क्या है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, यदि हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, जो फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ t, इस फंक्शन में t को रिप्लेस कर दीजिए किससे, अपर लिमिट से, जहां जहां पर t लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, अपर लिमिट कितनी है x स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा यहां से x स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ऑफ x स्क्वायर। क्लियर, इनटू इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, इस अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2x। ठीक है ना बेटा, माइनस, माइनस में क्या आएगा, अब इस फंक्शन f ऑफ t में t की जगह पर रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट को जब रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा 0 स्क्वायर इनटू साइन 0। वैसे भी आप देख सकते हैं क्योंकि लोअर लिमिट एक कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट मींस ये जो टर्म है ये 0 बन जाएगी। ठीक है ना, तो आप